गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट प्रोजेक्ट मेथड। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम परियोजना विधि के विषय में अध्ययन करेंगे। कल हमने बात की थी लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि की, जो आपका ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड था, जहां स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व नहीं किया, वहां पर स्टूडेंट्स को अपनी बात रखने की कोई आज़ादी नहीं होती थी, बाउंडेशन में रहते थे, टीचर सेंटर्ड था। लेकिन आज हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मेथड का, जिसमें स्टूडेंट्स को हम फुली इन्वॉल्व करते हैं, टीचर सेकेंडरी होता है, स्टूडेंट हमारा प्राइमरी होता है, स्टूडेंट्स का मुख्य स्थान होता है छात्र का, और अध्यापक यहाँ पर द्वितीय स्थान पर रहता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को सीखने की पूरी फ्रीडम होती है, कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होती हैं, अपने सेल्फ पेस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर सीखता है, अपनी क्षमताओं के आधार पर, अपनी मेंटल कैपेसिटी के आधार पर स्टूडेंट्स को अपनी अवसर प्रदान किए जाते हैं। हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मेथड की। इसके एक्सपोनेंट हैं विलियम किलपैट्रिक, जो कि जॉन डीबी के शिष्य हैं। जॉन डीबी आपके प्रयोजनवादी दार्शनिक हैं, और हमारा प्रोजेक्ट मेथड भी प्रयोजनवाद पर आधारित है, बेस्ड ऑन प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवाद क्या है? प्रयोजनवाद हमको बताता है कि बालक के लिए सीखने की कंडीशन सबसे अच्छे सोशल एनवायरनमेंट में होंगी। सोशल एनवायरनमेंट में लर्निंग आउटकम्स बढ़ेंगे हमारे, क्योंकि स्टूडेंट्स भी सोसाइटी का एक मेंबर होता है, टीचर भी सोसाइटी के मेंबर होता है, उसको जो नॉलेज मिलेगी, जो एजुकेशन मिलेगी, उसको भी वो सोसाइटी में अप्लाई करेगा। रियल लाइफ सिचुएशन, जो प्रोजेक्ट मेथड होता है वास्तविक जीवन पर आधारित होता है, जो समस्या जिस समस्या का बच्चा चुनाव करता है या टीचर सजेस्ट करता है, उस समस्या को देखता है बहुत ध्यान से, उसको समझता है, उसको ऑब्जर्व करता है। इस मेथड से स्टूडेंट्स को जो नॉलेज मिलती है वो परमानेंट रहती है, क्योंकि वो नॉलेज में स्टूडेंट्स की माइंड सेटअप, उसकी एक्सरसाइज का बड़ा योगदान होता है। प्रोजेक्ट मेथड में रिफ्लेक्टिव लेवल की चिंतन होता है, थिंकिंग होती है, बच्चे के माइंड पूरा फ्री होता है, यहाँ पर वो अपने अकॉर्डिंग सोच सकता है, टीचर का बाउंडेशन नहीं होता है, फ्री रहता है, इसलिए उसकी लॉजिकल पावर, रीजनिंग पावर सब कुछ यहाँ पर डेवलप होती है। प्रोजेक्ट मेथड परियोजना विधि थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का भी समर्थन करती है, नियमों को आत्मसात करती है, लॉ रेडीनेस, तत्परता का नियम। इसमें क्या है, हम स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक देने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के सामने हम चार टॉपिक रखेंगे। अब इसमें जो स्टूडेंट्स की रुचि के अकॉर्डिंग टॉपिक होगा, उसका स्टूडेंट सिलेक्शन करेगा, चुनाव करेगा, चुनाव करेगा तो वो मेंटली और फिजिकली रूप से रेडी होगा उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। जब वो पूरा करने के लिए रेडी होगा तो लर्निंग आउटकम्स हमारे बढ़ेंगे, और उसका जो नॉलेज मिलेगी वो डीप नॉलेज होगी, परमानेंट नॉलेज होगी। इसी तरह लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, अगर बच्चा उस टॉपिक से प्रभावित नहीं हो रहा है तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में बच्चा रुचि नहीं लेगा, क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट का नहीं होगा, तो बच्चे का लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर गड़बड़ा जाएगा, और लास्ट में जो अधिगम होगा उसको उसमें अधूरा रहेगा। इसके आता आगे आता है आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। जब बालक किसी प्रोजेक्ट का चुनाव करता है तो उसमें कई बार गलतियां होती हैं, गलतियों की सुधार करने के लिए बालक अभ्यास करता है, और अभ्यास करते करते वो समस्या का समाधान कर लेता है। स्टीवेंसन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है आपकी, ए प्रोजेक्ट इज ए प्रॉब्लमेटिक एक्ट कैरी टू कंप्लीशन इन इट्स नेचुरल सेटिंग। स्टीवेंसन के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्या मूल कार्य है, जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। अब यहाँ पर स्वाभाविक परिस्थितियाँ आपका सोशल एनवायरनमेंट से लिया गया है, क्योंकि बालक को अपने जितने भी
वर्क होंगे वो सब सोसाइटी में कंपाइल करने हैं भाई। उसका नेचुरल एनवायरनमेंट होगा, सोसाइटी का मीनिंग यहाँ पर स्कूल भी हो सकता है, उसके स्टूडेंट्स का ग्रुप भी हो सकता है जहाँ पर वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। फिलॉसफीज बिहाइंड दिस मेथड आर, प्रोजेक्ट मेथड के निर्माण करते समय जॉन डीबी, विलियम किलपैट्रिक, उन लोगों ने इस फिलॉसफी में रखा चिल्ड्रन लर्न बेटर थ्रू एसोसिएशन, कोऑपरेशन एंड एक्टिविटी। बालक सहभागिता, सहयोग और गतिविधियों के माध्यम से बेहतर ढंग से सीखता है और सहयोग की भावना का विकास होता है, जन्म होता है। लर्निंग बाय डूइंग, इस मेथड में बालक खुद करके सीखते हैं तो नॉलेज आपकी परमानेंट रहती है। स्टूडेंट्स लर्निंग बाय डूइंग करके जो कार्य सीखते हैं, जो नॉलेज गेन करते हैं, परमानेंट इसलिए रहती है क्योंकि वो उनकी फुली ऑब्जर्वेशन में होती है, उसको वो डीपली ऑब्जर्व करते हैं और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती है उसको पॉइंट आउट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज होती है, न्यू फैक्ट सामने आते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। स्टूडेंट्स जब खुद से कार्य करेंगे तो किसी भी समस्या का समाधान करने में वो सक्षम होंगे। लर्निंग बाय लिविंग, जो कुछ भी करते हैं उस पर सजीवता का भाव रहता है और जब सजीवता का भाव रहेगा तो वो आपके परमानेंट लर्निंग रहेगी। हम बात करेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के कुछ सिद्धांत हैं जिनके बेस पर प्रोजेक्ट मेथड आपका परियोजना विधि आपकी कार्य करती हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रियाशीलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक को जब हम प्रोजेक्ट डिसाइड करते हैं, बालक जब प्रोजेक्ट डिसाइड करता है या बालक जो कंटेंट या टॉपिक पढ़ने जा रहा होता है वो उसमें फुली इन्वॉल्व रहता है, एक्टिविटी करता रहता है, उस एक्टिविटीज़ में आंकड़ों को कलेक्ट करना, एनालाइज करना, उसके रिजल्ट को देखता है और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट वर्क को आगे बढ़ाता है। प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, वास्तविकता का सिद्धांत। इसमें जो समस्याएं दी जाती हैं वास्तविक होती हैं, वास्तविक समाज से संबंध रखती हैं और बालक को अनुभव होता है कि वो वास्तविकता की दुनिया में जी रहा है। रियलिटी होती है जो समस्याएं दी जाती हैं डेली लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं, कनेक्ट होती हैं आपकी, तो बालक यहाँ पर वास्तविकता का अभाव नहीं होता है, रियलिटी में रहता है। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, पूरी स्वतंत्रता होती है, जिस विधि को चाहें जैसे चाहें वैसे वो क्रिया को संपादित कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं होती है, टीचर की रोक टोक नहीं होती है। अगला है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, बालक को पता होता है जो ज्ञान वो प्राप्त करेगा इन फ्यूचर उसको उपयोगी होगा, इसलिए वो उस ज्ञान को सीखता है क्योंकि आगे भी समस्याएं आएंगी, जो ज्ञान सीखेगा वो ज्ञान आगे उसके कार्य आएगा। अगला है आपका प्रिंसिपल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब जो समस्या आती है बालक को, अगर कठिनाई महसूस होती है तो अपने मित्रों का सहयोग लेता है, अध्यापक का सहयोग लेता है, परिवारजनों का सहयोग लेता है, समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। प्रोजेक्ट मेथड में आपका जो टीचर है आपका एज ए गाइड रहेगा, एज ए मोटिवेटर रहेगा, वो स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करेगा, जब आवश्यक होगा तब गाइड करेगा, लेकिन इस वर्क पूरा स्टूडेंट्स खुद से करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, अब आपके परियोजना विधि की कुछ प्रकार हैं, मेनली फोर टाइप्स की हैं आपकी, चार प्रकार के हैं। पहला आपका क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव, हिंदी में बोलेंगे सृजनात्मक और रचनात्मक। इसमें स्टूडेंट्स के जो प्रोजेक्ट आते हैं उसमें मॉडल बनाना, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, कलेक्शन ऑफ सीड्स, छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर बनाते हैं, मिट्टी की गोलियां बनाते हैं, वो चीज़ें इसमें आएंगी आपके। अगला आपका आर्टिस्टिक, एस्थेटिक प्रोजेक्ट,
कलात्मक और सौंदर्यात्मक। इसके अंदर जो प्रोजेक्ट होते हैं आपके म्यूज़िक, डांसिंग, सिंगिंग, पोएट्री, पेंटिंग, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। अगला आपका रहेगा प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट या समस्यात्मक परियोजना। पॉल्यूशन हो जाएगा आपका, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग हो जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी आपकी, पॉवर्टी हो जाएगी आपकी, बेरोजगारी हो जाएगी, या कोई भी सामाजिक समस्या को हम यहाँ पर बच्चे के सामने प्रस्तुत कर देंगे। अगला आपका ड्रिल प्रोजेक्ट। इसमें आपका मैनुअल वर्क इंक्लूड होते हैं, मैपिंग हो जाएगा आपका, चार्ट हो जाएगा आपका, ग्राफ हो जाएगा आपका, इस टाइप की चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। अब आपके स्टेप होते हैं प्रोजेक्ट के, स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। 6 स्टेप में डिवाइड रहता है आपका। कैसे प्रोजेक्ट मेथड को कंपाइल करेंगे? पहला, क्रिएटिंग द सिचुएशन, परिस्थिति का निर्माण करना या उत्पन्न करना। छात्र को स्वतंत्रता होती है, अपनी इंटरेस्ट का टॉपिक या समस्या का चयन करें। टीचर वहाँ पर 4-5 समस्या बच्चों के सामने प्रेजेंट करेगा, बच्चे अपने अकॉर्डिंग किसी एक समस्या का चुनाव कर लेंगे। सेलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, इसमें स्टूडेंट्स आर हैविंग फ्रीडम टू चूज द टॉपिक और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। यहाँ पर जो टीचर ने 4 समस्याएं रखी थी, 5 समस्याएं रखी थी, बच्चे अपने रुचि के अकॉर्डिंग किसी एक समस्या का चुनाव कर लेंगे। अगला आपका प्लानिंग या परियोजना का नियोजन। टीचर से डिस्कस करेंगे प्लानिंग करने के लिए, लेकिन टीचर से डिस्कस करेंगे तो लेकिन जो रियलिटी होगी वो स्टूडेंट्स खुद वहाँ पर चूज़ करेंगे। केवल टीचर यहाँ पर उनको गाइड करेगा, उनको आगे फॉरवर्ड करेगा। 4-5 बच्चों का ग्रुप होगा तो जो बच्चे के विचार होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। टीचर केवल वहाँ पर सजेशन देगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। डिस्कस करेंगे टीचर से प्रॉब्लम के बारे में, डिस्कस वो लोग कर सकते हैं। एक्सिक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, परियोजना का क्रियान्वयन। अब इसमें क्या करना है, बच्चों को समस्या मिल गई है, उसको एक्सिक्यूशन करना है, तो बच्चे आपके डाटा कलेक्शन करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्शन करेंगे, टीचर स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उन लोगों को वहाँ पर पूरा टाइम देगा। जितना टाइम उन लोगों को लेना है वो लोग वहाँ पर लेंगे। इवेल्युएशन, मूल्यांकन, विद्यार्थी देखेंगे, स्टूडेंट्स देखेंगे जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए थे, उन ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति हो रही है वहाँ पर या नहीं हो रही है। अगर ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो रहे तो कहाँ पर कमी आई है, इन चीज़ों को वो लोग ऑब्जर्व करेंगे। लास्ट आपका हो जाएगा रिकॉर्डिंग या प्रोजेक्ट रिपोर्ट। लास्ट स्टेज है स्टूडेंट्स की, इसमें स्टूडेंट अपना पूरा वृतांत लिखेंगे, उसको पूरा नोट डाउन करेंगे, जो फाइल बनेगी जो टीचर को सबमिट करनी होगी। स्टूडेंट्स को क्या क्या ड्यूटी दी गई थी ये लोग मेंशन करेंगे, ग्रुप का प्रपोजल मेंशन करेंगे, जिस प्लेस पे गए हैं, जहाँ पे विजिट किए हैं उसको मेंशन करेंगे। इसके बाद में उसको फाइनली वाइंड अप करके टीचर को सबमिट कर दिया जाएगा। अब मेरिट्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो प्रोजेक्ट मेथड आपका प्योरली साइकोलॉजिकल बेस्ड है। स्टूडेंट्स का ध्यान रखा जाता है, उनकी कैपेसिटी का ध्यान रखा जाता है, मेंटल एबिलिटी का ध्यान रखा जाता है, उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स का ध्यान रखा जाता है। दूसरा आपका, इट इंट्रोड्यूस डेमोक्रेसी इन एजुकेशन। इस शिक्षा में प्रत्येक बच्चे को अपनी बात रखने का अधिकार प्रदान करती है। बच्चा फ्री होते हैं, स्टूडेंट फ्री होते हैं, वो जिस समस्या को चाहें टीचर के सामने रख सकते हैं। टीचर उनको रोकेगा टोकेगा नहीं और एज ए गाइड, एज ए मोटिवेटर उन बच्चों की किसी भी कंडीशन में हेल्प करेगा। इट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान की विधि है। प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा किसी भी प्रकार का समस्या का समाधान किया जा सकता है। इट डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। प्रोजेक्ट मेथड के माध्यम से बालक के अंदर आत्मविश्वास का वृद्धि होती है और बालक आत्मानुशासित बनते हैं। अगला आपका स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन,
बालकों के अंदर कोऑपरेशन सहयोग की भावना आती है, क्योंकि ग्रुप को डिसाइड कर दिया जाता है, ग्रुप में काम करते हैं। ग्रुप में क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं, मेमोरी लेवल अच्छा होता है इनका, मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। कुछ बच्चे आपके वीक पड़ जाते हैं, जो वहाँ पर उन बच्चों को प्रॉब्लम फेस होती है। लेकिन स्टूडेंट्स एक साथ में रहते हैं, ग्रुप में डिवाइड रहते हैं, तो वो लोग चीज़ों को वहाँ पर बांट लेते हैं। किसी की ड्राइंग अच्छी होती है, किसी की मैथ अच्छा होता है, तो वो उसी के हिसाब से चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। डिमेरिट्स की बात करेंगे तो पहला ये, इस मेथड्स के द्वारा कभी भी आपका सिलेबस कोर्स पूरा नहीं होगा। टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा समय की खपत होती है, एक्सपेंसिव मेथड है बहुत ज़्यादा आपका। पहला डिमेरिट्स है आपका, दिस मेथड कैन नॉट बी पुट अंडर रेगुलर फ्रेमवर्क, दस रेगुलर टाइम टेबल वर्क विल बी अपसेट। इसको हम जो डेली टाइम टेबल होता है हमारा विद्यालय का, उसमें हम इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर इसको रखेंगे तो पूरा टाइम टेबल हमारा अस्त व्यस्त हो जाएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टीच ऑल टॉपिक इन दिस वे, और सभी विषयों को इस विधि के द्वारा पढ़ाना असंभव है, क्योंकि अगर हम ऐसे पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स का कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। प्रोजेक्ट मेथड डेमोक्रेटिक मेथड है आपका स्टूडेंट्स के लिए, फाउंडेशन फ्री है, टीचर यहाँ पर एज ए गाइड एज ए मोटिवेटर है, स्टूडेंट्स की समस्या का समाधान अपने माध्यम से करेगा, स्टूडेंट्स फुली एक्टिव रहते हैं। बस इतना ही, प्रोजेक्ट मेथड में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं।